ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंड। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चार मुख्य घोषणा की है, क्या क्या घोषणा की है और किन किन लोगों को ये लाभ मिलने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दरअसल कोरोना के कहर दिल्ली में कुछ टाइम पहले काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था, इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार 4 मई 2021 को 72 लाख कार्ड धारकों को 2 महीने के लिए फ्री राशन देने का ऐलान किया। ऑटो टैक्सी चालक को 5-5 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक ऑटो टैक्सी चालक को 5-5 हज़ार रुपये नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत ही जल्द उन लोगों को भी मिल जाएंगे। जिन लोगों को 2020 में मिले थे उन्हें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को 2020 में नहीं मिले थे उन लोगों को फिर से आवेदन करना होगा और जल्द ही transport.delhi.gov.in पे इस लिंक को अपडेट किए जाएंगे। और इसके बाद 18 मई 2021 को दिल्ली सरकार फिर से चार मुख्य घोषणा की। जिनके पास राशन कार्ड है उन लोगों को 10 किलो राशन फ्री दिया जाएगा, 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से और 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें पैसे नहीं लिए जाएंगे। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी फ्री राशन दिया जाएंगे, जो कि 2 या 3 दिन में ये भी लागू हो जाएंगे, जो कि delhi.gov.in से टेम्परेरी राशन कार्ड कूपन पे अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना से मौत पर 50,000 की मुआवजा दिए जाएंगे। नंबर 3, आने वाले सदस्य की मौत पर 2500 की पेंशन दिए जाएंगे। नंबर 4, 2 बच्चे अनाथ हैं उन्हें 25 साल तक 2500 रुपये दिए जाएंगे और उनकी पढ़ाई मुफ्त की दी जाएगी। और फिर से न्यू घोषणा की है, तो देखते हैं ये कब तक लागू होता है। बस आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।